हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मंचूरियन की ग्रेवी। और उसके लिए हमें जो वेजीज चाहिए वो ये रही। हमने ये बीन्स लिया है, सोफ्रा बीन्स, और गोभी, आधा पत्ता गोभी, और 3 गाजर लिए थे। और पत्ता गोभी और गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है। गोभी को भी हम ऐसे ही ग्रेट कर लेंगे बाकी सब्जियों के साथ। और जो प्याज और लहसुन वगैरह थे वो दूसरी सब्जी के लिए था, तो उसको इसमें ऐड ऑन नहीं करना है। अब हमने जितने भी सारी सब्जियां ग्रेट की थी उसको एक फ्राई पैन में ले लिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे बॉल्स बनाने के लिए। तो इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 2 या 3 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम कॉर्नस्टार्च ऐड कर रहे हैं, अरोरूट कहते हैं जिसे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, हल्दी, देखिए ये हल्दी डाला हमने, हाफ टी स्पून हम चिल्ली पाउडर डाल रहे हैं इसमें, और फिर ये नमक स्वादानुसार डाला। उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, हल्का सा पानी डाल के, क्योंकि हमने आज सब्जियां बॉईल नहीं की, हमने कच्ची सब्जियों में बनाने का सोचा। तो इसको हल्का सा पानी डाल के हम अच्छे से मैश कर लेंगे। ये तैयार हो गया हमारा बैटर। अब इसको हम अच्छे से बॉल्स में, छोटे छोटे बॉल्स में, जितना मतलब आप साइज़ प्रेफर करना चाहते हैं उसको बॉल्स में बना लें। ऐसे हम सारे बैटर को छोटे छोटे बॉल्स में बना लेंगे, मंचूरियन बॉल्स। और इसके बाद हम फ्राई अब इसको कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल के फ्राई करेंगे। हमने सारे बैचेस ऐसे ही फ्राई करके निकाल लिए। ये देखिए, इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना है। ज़्यादा बिल्कुल ब्राउन नहीं होता, बिल्कुल एकदम डार्क कलर नहीं होना चाहिए, गोल्डन ब्राउन कलर होना चाहिए। अब हम जो एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल, सरसों तेल, जीरा, लाल मिर्च और तेज़पत्ता ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसमें प्याज ऐड किया। प्याज 1 या 2 छोटे, अगर मीडियम साइज़ के हैं तो बहुत है, ज़्यादा प्याज नहीं डलता है इसके ग्रेवी में। उसके बाद हमने एक कैप्सिकम काटा था उसे डाल लिया है। इसको छोटे छोटे स्लाइसेस करने हैं, ज़्यादा बड़े स्लाइसेस नहीं करने कैप्सिकम के भी। अब हम इसमें एक टमाटर डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मंचूरियन का जो पैकेट आता है ना उसमें खट्टा ऑलरेडी होता है, तो इसके अंदर हम टमाटर सिर्फ 1 यूज़ करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है सब्ज़ी। हमने ये ऐड कर लिया टमाटर, और जो वो हमने पैकेज यूज़ किया था मंचूरियन पाउडर, तो उस मंचूरियन पाउडर में सेजवान चटनी भी डाल ली थी। अब इसमें हमने ऐड किया लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला थोड़ा सा, उसके बाद नमक, और जो मंचूरियन के जो वो पैकेज में पानी डाल के हमने जो लिक्विड बनाया था उसको ऐड कर लिया है। उसमें कॉर्न स्टार्च भी ऑलरेडी ऐड होता है, तो उसको ऊपर से कॉर्न स्टार्च डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें हमने और पानी और मिक्स करके डाल दिया है 1 कप। अब इसको अच्छे से चला लेंगे, और जब ये खोल जाए, जब ये वो हो जाए, बॉयल हो जाए, तो इसमें हम बॉल्स बॉल्स डाल लेंगे अपने मंचूरियन। इसमें नमक भी ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल थोड़ा सा नमक यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी नमक भी ऐड होता है। और आज आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।